तेरे फिरते मालिक
प्रभु वाली
जो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। मिलावट करके मिक्स करके तुम कुछ कहोगे और तुम्हारा लेन देन है तो वो तो चुपचाप होगा ही होगा, चुपाते रहो देते रहो देते रहो। पर जब तुम्हारा कोई लेन देन किसी से नहीं है तो उससे तुम्हारी क्या आस, क्या उसको उसके आस, आस तो उसको अपने शत्रु से है, उस परमानंद मालिक से है, उस प्रभु राम से है जिससे उसने लव लगाई है। जिसने अपने शत्रु में प्रभु परमात्मा को देखा है, उस अनामी महाप्रभु को देखा है, शत्रु को देखा है, सत्य का ज्ञान तो उसी को प्राप्त होगा जिसने अपने सतगुरु के अंदर प्रभु को देखा है। जब अगर वो प्रभु को नहीं देखता है अपने गुरु के थ्रू, गुरु के द्वारा, वो बाबा समझता है, गुरु समझता है, तो उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है? बाबा तो बाबा ही रहते हैं, वो कृपा करके थोड़ी है, वो तो दक्षिणा और दान में जो चीज देते हैं दशावान बन करके दोगे तो तुम्हें संत देने के लिए आदमी तैयार है। और संत सनातन की रक्षा करते हैं, भलाई करते हैं, उसका सुधार करते हैं और धर्म कर्म का प्रचार करते हैं कि धर्म की हानि ना हो। और ये कहा गया है कि जब जब हुए धर्म की हानि तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा और सारे सत्सन की पीरा। मतलब जब जब अधर्म फैलता है तब तब वो तो किसी भी मानव को भी अब करके किसी भी प्रकार से, अरे हद तक तो मानव की ही तरह रहेगा, सब कुछ उसी तरह रहेगा। अब उनमें कितनी शक्ति पावर छुपी हुई है इसको तो आप नहीं समझ पाएंगे। और सज्जनों की रक्षा, संतों की रक्षा, धर्म की सुरक्षा, देवियों की रक्षा और अपाकारी शक्तियों का विनाश करने के पूर्वक में हम को जाते और संत आते जाते रहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि अब कभी भी संतों का सिलसिला आने का बंद नहीं होगा और जो संत आता आएगा वो नाम को जगाएगा, नाम को जगाने के बाद ही वो नामदान देगा। नामदान देने के लिए तो ऐसे बहुत से गुरुभाई हैं कि उन्होंने उस अमोलक दौलत को तो जो गुप्त चीज है उसको तो आए से साफ किया है कि संतो ये कहीं से फ्री में मिला है। अरे कितने संत सदगुरु अच्छा खाए सबका रिटायर उन्होंने को हो दिया और ऐसा छापा है कि इसका क्या कहना और उसका हस्त क्या होगा ये शायद उनको नहीं मालूम है। प्रभु राम की हुकुम अधूरी करना और सतगुरु की हुकुम अधूरी करना छोटी मोटी बात नहीं होती है। और समय आने पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। किसी को प्रमाण पत्र की जरूरत है तो क्यों ना, जब पांच नाम का नाम दान मिला है तो फैस करके अगर हम सब्जियों का बच्चा है, गुरु का बच्चा है तो के साधना में एक घंटा, दो घंटा, चौबीस घंटा, पाँच घंटा जितना अधिक से अधिक उपवास कर सकता है उतने अधिक से अधिक साधना भी कर सकता है। तो साधना करके साध करके करके वो गुरु से क्यों नहीं प्रमाण मांग लेता, किसी दूसरे से क्यों प्रमाण मांगता? अरे उस संत सदगुरु के यहाँ हर प्रकार के प्रमाण है,
उसको हर प्रकार के प्रमाण मिल जाएंगे। तो तू और वो तो कृष्णा कहते हैं उसको कहाँ खोजता है, तो तेरे पास नहीं है। तुझ में जब लगन नहीं, प्रेम नहीं, सद्भाव नहीं, ज्ञान नहीं, तो तू कुछ भी कर सकता। देखो हमारे प्रभु राम जी रावण को समझाने के लिए अंदर को भेजा, हनुमान जी ने भी समझाया और फिर उनके भाई भीष्म ने भी समझाया, जहाँ से भी समझाया और उनकी समझ में नहीं आया, तो अंतर सत्ता उन्हें मजबूर होकर के वो कार्य करना पड़ा। और आखिरी में भी उनकी इच्छा पूछी कि हे रावण, अकेले माय का नाश हो गया है, तेरे घमंड का नाश हो गया है, अगर तू जीना चाहता है तो बता, मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। और यही बात बारी से भी पूछी थी कि बताओ तुम जीना चाहते हो, तो कहा नहीं प्रभु, अब दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा, हम इस मौके को खोना नहीं चाहते। तो उसी तरह तुमको जब नाम रतन धन मिला है तो रगड़ाई करो, मसलाई करो, अंतर में खोज मचाओ और अंतर में चिल्लाओ, पुकारो, रो, खाओ, हंसो, जो भी कुछ बन सकते हो, पर अपने शत्रु को, अपने प्रीतम को, अपने पिया को, अपने प्राप्त करो। जब तुम शत्रु तुम्हारे सामने होंगे तो आराम से होगी और शांति होगी। इसलिए शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जब हर सत्य हर भजन जगत सब सपना। कि हे उमा, जो अपना निज अनुभव हो वही सच्चा है, बाकी सब मिथ्या है। जो जब अनुभव अनुभूति हो रही, दिखाई सुनाई पड़ रहा है, तो घर बैठ करके सुमरण ध्यान भजन क्यों नहीं करते और कहते हो हमारा संसार भी इससे मतलब आप करना भी चाहते। और जिनका बनता है अगर वो परमात्मा के साथ दे देते हैं और तुम्हारे सामने पेश कर देते हैं, तो तुम भी इससे उस पर भी जारी करो करते हो, उससे भी तुम्हें कुछ लगाते हो, उससे कुछ सीखने के बजाय सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग भी कर डालते हो। और इसी तरह हर का मरणमा ही बचेगी। अरे इससे प्रारब्ध में जो है तो को मिलेगा ही, उसको कोई छीन नहीं सकता है। और जिसका जब समय आ जाएगा तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है, उसे खाना ही पड़ेगा, चाहे कितने लोग उसके पैर पकड़े हों। ये तो आने जाने का देश है, पर जो प्रभु है, ईश्वर है, सत्यनामी है, संत है, संत का अंत नहीं होता, उसको खोजना पड़ता है। और पिया को तो निज घर में ही खोजना पड़ता है, गुरु का ध्यान अंतर में ही करना पड़ता है। जिन्होंने अंतर के ध्यान नहीं किया पर वो धाम निष्धाम की ढोल बजाई, अरे उनके पास गुरु कहाँ से रहेंगे, उनका आगे उन्हीं का ही होगा और उन्हीं का होगा। इसके लिए प्रभु चले गए हो, अरे वो प्रभु को क्या जाने, वो प्रभु जानता है कि हर अनंत हर कथा अनंता, जो प्ररूप व्यापक भगवान का, वो भगवान कर में विराजमान है, हर जगह है,
ये कुदरत है, कुदरत जय है, जय इसको कहते हैं जय। इसीलिए कोई भी आपदा दैनिक आती है तो उसमें किसी का हाथ और पैर काम नहीं करता, उसको कहते हैं प्रकृति। जब प्रकृति बौखला जाए, उसका संतुलन बिगड़ जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा, इसके बारे में तो कभी सोचते नहीं हो। ये सोचते हो आज आंधी आई थी, एक दो घर हो गए हैं, अरे सफाई सफाई भी अपना काम करो। अरे भाई, जब तुम प्रभु प्राण रहोगे, शाकाहारी सदाचारी रहोगे, उस प्रभु की कृपा रहेगी आप पर, तुम्हारा ध्यान भजन करते रहोगे, पूजा आराधना पाठ करते रहोगे, किसी भी साक्षी करते हो, पर साक्षी तो हो, शाकाहारी तो हो। हमारे गुरु महाराज ने उसको अंतर में बताया कि बच्चों मैंने इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ को नाम दान दिया, पर वो कीमती जाना हमारे पास रजिस्टर में ले, तुम्हारे पास नहीं है और ना ही तुम गिन सकते हो। हाँ, ये काम जरूर तुम कर सकते हो। अब फसल गेहूँ की तो बोई है, मालिक उसका चला के आएंगे, और तुमको रखवाला बना दिया, इसको देखते रहना बड़े दिन, तो तुम्हारी इच्छा हुई तुम काटना तुमने शुरू कर दिया, और फसल तो उसी मालिक की है जिसने बोई और लगाई है, वो किस वक्त क्या कर सकता है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहा। तो प्रेमियों, प्रेम सदगुरु से करना, और अपने सदगुरु को जब तक जीवन रहे तब तक हाजिर नाजिर मानना, और उन्हीं से लगन लगाना, क्योंकि वो घर घर वासी हैं, अविनाशी हैं, अंतिम सांस जब हमारी निकलेगी तब उनका कर्तव्य होगा कि हमारी सूरत जीव आत्मा को निज घर निज धाम पहुँचा, और इस काम को हमारे गुरु महाराज बराबर कर रहे हैं, जो गुरु महाराज से निशाना लगाए बैठे हैं, भले वो सतगुरु जय गुरुदेव नहीं जय गुरुदेव बोलते हैं, पर निशाना गुरु महाराज से, किसी दूसरे से, और ना ही तुम गणना कर सकते हो कि कितने लोग गुरु महाराज से निशाना लगा करके बैठे हुए हैं, और ना भविष्य में तुम गणना कर पाओगे। ये जन सैलाब है और ये एक खाली है, खाली में हिलोर आ रही है, कभी हिलोर में इधर तो कभी हिलोर में उधर, और जो ठोस चीज होती है वो खाली में कितना समुन्द्र में कितना भी वो लहरें उठे, वो अंदर रहती बाहर नहीं था। तो इसी प्रकार संत सदगुरु के जीव होते हैं जो अटल है, अधिक है, वो अपने जगह पर है, उन्हें तो अपने सदगुरु से मतलब है और अपने गुरु से मतलब है, वो कहने को समझाने को बोलने को बोलेंगे, नीच की भाषा का प्रयोग करेंगे, और साधक नहीं है उनको उसमें भी, और वो बहुत कुछ कर भी सकते, पर ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे तुमको कोई दुख, तुम्हारे पास तो नकेल है नहीं और उनके पास नकेल है, उनके पास उनको अपने सतगुरु से आदेश लेना होता है, फिर उसके बाद में किसी भी कार्य को कर सकती है। पंची रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी तो गुरु महाराज की ही है, अनुभव अनुभूति की जिम्मेदारी भी गुरु महाराज की ही है, वो तो करवाते आए हैं, करवाते ही रहेंगे, पर आत्म सुरक्षा की जिम्मेदारी
सब लोगों की। अपनी सुरक्षा करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और सभी मानव जाति का अपनी आत्म सुरक्षा करने का पूरा स्वतंत्र अधिकार। उस पे कोई भी किसी प्रकार का प्रहार करे तो उससे बचना अथवा उसका जवाब देना उसका परम कर्तव्य बनता है। तो प्रेमियों, सुविधाओं से बचते हुए सुविधाओं में लगे रहो, अपने खेती दुकान दफ्तर का काम करो और क्या आगे होने वाला है इसके बारे में तो संकेत पर संकेत किया ही जा रहा है, आगे भी कर दिया जाएगा अगर गुरु महाराज का हुक्म हुआ। वैसे कभी ऐसा तो नहीं रहा कि हुक्म नहीं हुआ, चाहे कोई नकल कर ले या असर कर ले, इससे कोई मतलब नहीं होता, बता दिया जाता। तो प्रेमियों, जो प्रेमी होगा वो सबसे प्रेम करेगा, वो ये नहीं मानता कि ये इधर वाले हैं, उधर वाले हैं, यहाँ वाले हैं, वहाँ वाले हैं। वो सीधा सीधा जानता है ये सब सदगुरु वाले हैं, गुरु महाराज वाले हैं, उसमें किसी प्रकार की दुर्भावना भेदभावना नहीं होती। तो वैसे दुर्भावना न रख करके हमेशा अपने गुरु में लव लगाओ और गुरु महाराज की वाणियों को याद करो, भविष्य वाणियों को याद करो और अपने गुरु से ही निशाना रखो, सत्संग सुनते रहो, सुनाते रहो और इस देश से कच्चे बचाते प्रभु का भजन चुप से छुपाते करते हुए अपने परम धाम की तरफ चलने की तैयारी करो। समय थोड़ा बचा है, इसमें ज्यादा से और निरर्थक लड़ाई झगड़े में समय बीत जाएगा, इधर का घर वाक युद्ध होता रहेगा, वाक युद्ध में कुछ होना नहीं और न ही कोई फायदा होगा, सुमिरन ध्यान भजन में सारा फायदा होगा। तो वाक युद्ध न करके सुमिरन ध्यान भजन पर छोड़ो और अपना समय उसमें व्यतीत करो जो मालिक ने बताया समझाया है। अगर गुरु महाराज का दर्शन देते हैं, गुरु के दर्शन होते हैं, गुरु का अनुभव होगा तो गुरु आधारे गुरु के द्वारे, तब तो अपने सदगुरु के साथ ही रहोगे जो वो मार्गदर्शन करेंगे और निज अनुभव जो तुमको होता रहेगा उसका पालन आप करेंगे और उसी तरह चलते रहेंगे। और जब अनुभव नहीं होगा तो बताओ कैसे काम बनेगा। दान आपने ले लिया, 30 साल पुराने हो गए, 30 साल पुराने हो गए या 50 साल पुराने हो गए और साहब पढ़ाई मलते रह गए, हमको तो भजन का अवसर नहीं मिला। तो पढ़ाई मलने में भी तुम्हें भजन जिन लोगों को तुमने भोजन भंडारा बना कर खिलाया उनके भजन से तुमको काट करके गुरु महाराज ने तुम्हारे हिस्से में रखा, और जब तुमने सुमिरन का 15 मिनट नहीं समय निकाला, 15 मिनट भजन का नहीं निकाला, 15 मिनट ध्यान का नहीं निकाला तो तुम क्या समय निकाल सकते हो। अरे कढ़ाई मलने के बाद तुम 15 मिनट सुमिरन कर लेते, उतने में तुम्हारा काम बन जाता और कढ़ाई मलते रहते भंडारे की, कौन मना करता था कि तुम कर ये काम मत करो। सेवा तो बहुत अच्छी चीज है पर उसके साथ भजन भी करना होता है और गुरु बेरा करे तो सारा काम बन जाता है। चलो तो कोई बात नहीं, अब तक पढ़ाई मिली, बर्तन साफ किए, ठीक है, उसमें से थोड़ा समय निकाल करके आधा घंटा एक घंटा सुबह शाम सुमिरन भजन ध्यान भी कर लो और पढ़ाई माला छोड़ दिया है तो आप माला करना शुरू कर दो, सुमिरन ध्यान भजन करना शुरू कर दो और मालिक से प्रार्थना करो कि हे मालिक, आपके दरबार में हमने जितने की कढ़ाई मली क्या उसका यही फल मिला
अरे मुझे भी तो अनुभव होना चाहिए, मुझे भी तो आत्मबोध आत्म ज्ञान होना चाहिए, मुझे भी तो दिखाई सुनाई पाना चाहिए। इस तरह से प्रार्थना और विनती करो, याचना करो और नाम दान देने के बाद तुम बाबा को बाबा ही समझोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी मिलो, कुछ नहीं मिलने वाला जब तक उसको तुम सदगुरु नहीं समझो, जब तक उसको तुम प्रभु परमात्मा नहीं समझोगे तब तक सब सब लिखा है गुरु गोविंदो फले का केला वो पाए हरिहारी गुरु आपने गोविंद देव लिखाए। जब हमारे ही गुरु उस गोविंद को लिखाएंगे, उन गोविंद से मिलाएंगे, तो फिर गोविंद से मिलने के लिए जो गुरु रोज जाते हैं तो गुरु के ही साथ जाना पड़ेगा, अपने सदगुरु का ही संग करना पड़ेगा। तो सदगुरु का संग छोड़ करके कहीं भी जाना उचित नहीं है। प्रेमियों अपने अपने कार्यों में लगे रहो और बराबर स्मरण ध्यान भजन करते रहो, गुरु की यादगारी करते रहो, निराश मत होइए। गुरु महाराज स्वर्गज हैं, कभी भी वो आपको दर्शन दे सकते हैं, इसमें कभी दुविधा मत पैदा करना। वो हर प्रकार से आदि नादि हैं। जब हरि अनंत हर कथा अनंत सब रूप व्यापक भगवंता, तो भगवंता कहीं भी प्रकट हो सकता है। और जब राम कृष्ण परमा दे सकते हैं, तो उस मालिक को परमा देने में कितनी देर लगेगी, आप जरा इसको बुद्धि विवेक से सोचना और लग करके स्मरण ध्यान भजन को करना। मैं किसी को कुछ नहीं अपनी तरफ से कहता हूँ, जो इच्छा शो करो, पर स्मरण ध्यान भजन अगर नाम दान लिया है तो अवश्य करो। स्मरण ध्यान भजन करते रहोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा घर पर खुल जाएगा। गुरु जय बुदे गुरु जय बुदे गुरु जय बुदे गुरु जय गुरुदेव नाम किसका परम तम सतगुरु जय गुरुदेव की वाणी है। सत्य गुरु जय गुरुदेव स्वरूपी सुंदर नामी स्वामी मालिक नामी माया नाम दया विरल बंधु संग स्वामी सतगुरु नामी पुरुष नामी चीता हो तारा में
शुभ प्रशांत की बात।